गुड मॉर्निंग 6th 7th क्लास। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिटी द लाइक टर्म फ्रॉम द फॉलो। जो हमको टर्म दिया गया है उसको पहचानना है समान पदों में कौन कौन से है। तो फर्स्ट इक्वेशन दिया है ए स्क्वायर एक्स टू ए एक्स फोर ए स्क्वायर एक्स। इसमें हमको समान पद या टर्म्स लाइक टर्म्स निकालना है। तो इसमें क्या है ए स्क्वायर एंड फोर ए स्क्वायर, इन दोनों के टर्म्स कैसे हैं, समान हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये कंटेन सेम लाइक लिटरल फैक्टर एक्स ए स्क्वायर एक्स, सो ए स्क्वायर एक्स एंड फोर ए स्क्वायर एक्स आर लाइक टर्म। तो इसमें लाइक टर्म्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स और फोर ए स्क्वायर एक्स, ये हमारा लाइक टर्म्स या समान पदों में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ दिया है 5abc² माइनस 8ab² c कोमा abc². ओके स्टूडेंट, तो इसमें हमको समान पद या लाइक टर्म्स निकालना है। तो देखिए लास्ट के abc², इसमें क्या है ab² c और ये हैगा abc², तो abc² एक ही शाब्दिक गुणनखंड है। तो एक लाइक टर्म समान टर्म क्या होंगे, 5abc² एंड abc² हमारा लाइक टर्म्स या समान पद होंगे। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल्स या बहुपदीय की घात लिखिए। तो ये क्वेश्चन दिया है हमको 9z माइनस का 9z प्लस 2y माइनस x², हमें इसकी एक्सपोनेंट्स या डिग्री या घात लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें जो भी जो इक्वेशन दी गई है ये हमको, ठीक, इसकी जो इक्वेशन जो सबसे ज़्यादा होती है इसके एक्सपोनेंट वही हमारी डिग्री कहलाती है। तो इस वाली इक्वेशन में सबसे ज़्यादा डिग्री क्या है, 2, तो यहाँ पर घात या डिग्री क्या होगी, 2। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है -5x² y + 7। इसमें हम देखेंगे तो इसमें एक्सपोनेंट हमारे टू वेरिएबल्स हैं, तो इनकी घाते या एक्सपोनेंट क्या है, 2 + 1, इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करके हमें 3 मिलता है, 3। तो यही हमारी क्या होगा, डिग्री। ओके स्टूडेंट, अगर टू वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हैं तो उनके एक्सपोनेंट को ऐड करके हम डिग्री को फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4x² y² z³ - 5xyz^5। तो इन सब की हम पावर को कंपेयर कराएंगे, चाहे हम इसके एक्सपोनेंट्स ऐड कर लें या इसके एक्सपोनेंट, तो सेम आएगा। यहाँ आएगा 2 + 2 + 3 = 7। तो इसमें हमारे डिग्री कितनी आएगी, घात 7 आएगी। इस तरीके अगर हम इसकी पावर को ऐड कर ले एक्सपोनेंट को 1 + 1 या 5, तो ये भी 7 की हो रही, तो इसमें हमारी डिग्री या घात कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8x + 7y। तो इसमें हम इसकी डिग्री देखेंगे तो यहाँ पे 1 वेरिएबल है, यहाँ भी 1 वेरिएबल से, तो इनकी पावर्स क्या होगी, 1, इसकी भी 1, तो हमारा डिग्री या घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ देखें ये कांस्टेंट वैल्यू, जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू हो जाए तो उसकी डिग्री या घात हमेशा क्या होगी, 0। अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू किसी भी वेरिएबल से प्रोडक्ट में या मल्टीप्लाई में नहीं है तो उसकी हमेशा डिग्री या घात हमेशा उसकी 0 ही रहेगी। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमको निकालना है इसका कोऑफिशिएंट्स या गुणनखंड फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू किसी भी जो वेरिएबल्स होता है उसका जो मल्टीप्लाई होता है वही इसका कोऑफिशिएंट्स कहलाता है। तो -12 किसका कोऑफिशिएंट्स है, x² y का कोऑफिशिएंट्स या गुणनफल है, तो इसका आंसर क्या होगा, -12। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दिया 2x² - y² + z²। ये 3 टर्म्स का है और ये अपना 1 टर्म्स का था, तो इसके 3 टर्म्स है तो इसके 3 कोऑफिशिएंट्स होंगे। ओके स्टूडेंट, तो कोऑफिशिएंट्स निकालेंगे हम या गुणनफल होंगे सबसे पहले 1 टर्म्स का, इसका जो
वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई में क्या है, प्लस का 2। ओके स्टूडेंट, इसका कोफिशियंट्स निकालेंगे माइनस का वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं तो 1 मानेंगे और आगे क्या माइनस, तो इसका कोफिशियंट्स या मल्टीप्लाई गुणनखंड माइनस का 1 होगा। इसी तरीके सेकंड थर्ड टर्म का, थर्ड टर्म से इसका निकालेंगे प्लस का, इसका कोफिशियंट्स नहीं है तो उसका 1 होगा, तो प्लस का 1 होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से को नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो टुडे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इसमें लिटरल फैक्टर्स या शाब्दिक गुणनखंड लिखना है। अभी तक हम कांस्टेंट वैल्यू लिख रहे थे, अब क्या है कांस्टेंट वैल्यू के साथ जो वेरिएबल्स होते हैं वही लिटरल फैक्टर्स या शाब्दिक गुणनखंड कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई, यही एक्स वाई क्या होता है, लिटरल फैक्टर या शाब्दिक गुणनखंड। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देंगे, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दिया माइनस का 3PQR। ओके स्टूडेंट, तो इसका लिटरल फैक्टर्स या शाब्दिक फैक्टर शाब्दिक गुणनखंड क्या होगा, PQR। ओके स्टूडेंट, तो इसमें माइनस प्लस नहीं लिया, सिर्फ प्लस ही की वैल्यू ली जाती है, तो जो भी इसके शाब्दिक शाब्दिक गुणनखंड होंगे एक्स वाई जेड ए से लेके पी तक, ये सब लिटरल फैक्टर्स या शाब्दिक गुणनखंड कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हमको इस एक्सरसाइज के सम को सॉल्व करना है। थैंक यू।